उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मलिन बस्तियों पर सरकार के अध्यादेश का समय पूरा होने वाला है, तो वहीं अचानक कई लोगों को नोटिस जारी होने के बाद भाजपा के अपने विधायक भी परेशान होने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह में मलिन बस्तियों के मामले ने बहुत तेज गति से तूल पकड़ा है। इसके पीछे है देहरादून नगर निगम MDA और मसूरी नगर पालिका शहर द्वारा मलिन बस्तियों में जारी किए गए तकरीबन 500 से ज़्यादा ध्वस्तीकरण के नोटिस हैं। देहरादून की मलिन बस्तियों में 504 कार्रवाई के नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें से मसूरी देहरादून प्राधिकरण द्वारा 403 नोटिस, देहरादून नगर निगम द्वारा 87 नोटिस और मसूरी नगर पालिका द्वारा भी 14 नोटिस भेजे गए हैं। उत्तराखंड मलिन बस्तियों विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने 2016 में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की और जैसे ही मालिकाना हक देना शुरू किया, उसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई और भाजपा ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 2019 में सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इसे एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बदले और भाजपा की सरकार भी बदली, लेकिन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब एक बार फिर से मलिन बस्तियों के लोगों को डराने धमकाने और उनको नोटिस जारी करने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो लगातार खड़े रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद, ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है, जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी, 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया। आज जब 2016 का बहाना बना करके मलिन बस्तियों के ऊपर एक बार फिर से संकट का बादल गहरा रहा है। साल 2012 से शुरू हुए मलिन बस्तियों के मामले में NGT के सख्त रुख को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को प्रक्रिया शुरू की और कुछ लोगों को मालिकाना हक भी दिया गया, लेकिन उसके बाद 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए 21 अक्टूबर 2018 में भाजपा सरकार अध्यादेश लेकर आई, जिसकी अवधि 3 साल की थी। 21 अक्टूबर 2021 को इस अध्यादेश की अवधि पूरी होने वाली थी, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल चुके थे और एक बार फिर से इस अध्यादेश को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया और जिसकी अवधि अब इसी 21 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हो रही है। एक तरफ अध्यादेश खत्म होने की अवधि, तो दूसरी ओर न्यायालय में दर्ज हुई एक याचिका के तहत एक बार फिर से 2016 के बाद मनी यूनिवर्सिटी में हुए निर्माण को लेकर ब्याज दायर किया गया। इसके तहत साल 2016 के बाद तकरीबन 225 निर्माण चिन्हित किए गए, जिनमें से अब 503 निर्माण को ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजे गए हैं। इस पूरे मामले पर देहरादून शहर में आने वाली 5 विधानसभाओं के 5 विधायक, जो कि भाजपा के ही हैं, सभी चिंता में हैं। देहरादून के राजपुर रोड विधानसभा से विधायक हजन दास और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि मलिन बस्तियों में सबसे ज़्यादा परिवार राजपुर रोड विधानसभा के तहत और रायपुर विधानसभा के तहत आते हैं। यहाँ पर भाजपा विधायक खदान दास और उमेश शर्मा काऊ हैं। विधायक खदान दास ने कहा कि मलिन बस्तियों को लेकर के लगातार उनके द्वारा चिंता जाहिर की गई है, उसको लेकर के उन्होंने विधानसभा में भी नियम 310 के तहत इसे उठाया था और वो लगातार शहरी विकास मंत्री से भी मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार इस मामले में क्या हल निकाल रही है। देखिए, मलिन बस्तियों का जहां तक नियमितीकरण का सवाल है, वो लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी और अभी 2018 में एक अध्यादेश लाया गया था कि जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया था कि अतिक्रमण हटाया जाए, तो बस्तियों को बसाने की भी बात हुई थी, तो उस समय जो है एक अध्यादेश लाया गया था कि आपको जब तक शिफ्ट नहीं करते या कोई इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तब तक अध्यादेश काम करेगा, तो यानी कि 2021 तक बढ़ गया था। अब सवाल इस बात का है कि फिर भी अध्यादेश लाना पड़ा,
मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि फिर उन्होंने 3 साल का और बढ़ाया जो अभी 21 अक्टूबर 2024 को अध्यादेश समाप्त हो रहा है। इस परिधि में एक एनजीटी का एक किसी ने रिट दायर किया है और उसके निमित्त ये कहा गया है कि जो नदी के किनारे जो मकान बने हैं यानी कि 11 मार्च 2016 के बाद उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अध्यादेश की अवधि पूरी होने से पहले कुछ ना कुछ सरकार जरूर मलिन बस्तियों पर स्थायी समाधान लेकर आएगी जिसमें कि अभी समय बाकी है। एक तो मलिन बस्तियों के जो विषय है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया है कि जिसके लिए इतनी अफरा तफरी हो। मलिन बस्तियां पूर्णतः सुरक्षित है, पहले अध्यादेश ला चुकी है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग सक्रिय है मलिन बस्तियां को कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस पूरे मामले पर जहाँ एक तरफ देहरादून शहर में हड़कंप मचा हुआ है, एमडीए नगर निगम और नगर पालिका द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद जहां विपक्ष सड़कों पर उतर चुका है और लगातार इस विषय को लेकर मुखर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस मामले को लेकर बेहद निश्चिंत नजर आ रहे हैं। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस ने लगातार आम लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करते हुए अध्यादेश लाया गया और अब जब अध्यादेश की अवधि खत्म होगी उससे पहले सरकार कुछ न कुछ इस पर ठोस रणनीति बनाएगी। हालांकि क्या रणनीति होगी और कैसे इस विषय पर रणनीति तैयार की जाएगी इसको लेकर के अभी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि जो एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया है और उसको लेके ये समस्या भी हमारे सामने, और बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। अब मेरा व्यक्तिगत यदि आप मत समझे तो वो तो ये है कि इंक्रोचमेंट जिस टाइम हो रहा उस टाइम उसको रोका जाना चाहिए। अब जो इंक्रोचमेंट हो जाता है उसके बाद फिर चाहे एनजीटी हो चाहे कोर्ट्स हो उनका जो निर्णय होता है आखिर उसको भी हमें पालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं उसमें क्या रास्ता निकल सकता है। अध्यादेश तो नहीं ले आएंगे पहले, अब रास्ता क्या निकल सकता है बताएंगे आपको।